कहानियां नाओ प्रलय। एक समा एड़ा आया जिया संसारा दे हैन सारे लोग रौ थी है। सियों हैन दुष्ट होर पापे हुए गोए थी है। ए सब किछ इतरा बुरा हुए गोआ थिया कि परमेश्वर फैसला लवा कि एक ही बड़ी प्रलय के रे इस पूरे संसारा नाश कर दिया जाए। पर परमेश्वर नुहे कामा का खुश थिया। सौ एक धर्मे आदमे थिया जुन दुष्ट मन झमेंज रहो थिया। परमेश्वर नुहा का बोला कि सौ लोगे दुष्टती बजा का एक बड़ी प्रलय आने आड़ा आसी। इत्ती बजा के तिनी नुहा ले एक बड़ा जहाज बनाने कठे बोला। परमेश्वर नुहा ले एक जहाज बनाने कठे बोला जुन लगभग 140 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 135 मीटर ऊंचा होना। नूह है सौ गुपेरे डाले काठा केरे बनाना थिया और तित दे चन मजला हैंजे कमरे एक छत और एक खिड़की बनाने थिए। तेस जहाजा नुआ तेसरे परिवार आले और धरतीय हर भांतीय जानवर तेसा प्रलय का बचाए डाने थिए। नू है परमेश्वर आज्ञा मन्ने तिनी होर तेसरे चन शुरू है तेड़ा ही जहाज बनाया जेड़ा परमेश्वर तिना ले बोला थिया। किले की सा जहाज हैन बड़ा थिया ते तिस बनाने ले कई साल लगी। नू है संसारे लोगा ले आछने आले प्रलय बारे दे चेतावनी दिए और तिना ले परमेश्वर बाखा ले फिरने कठे बोला। पर तिन्ने तेसरी गल्ला गेश विश्वास नहीं करी। परमेश्वरे नुहा होर तेसरे परिवार आले अपने कठे होर जानवरे कठे जरूरता अनुसार खाने ले होर घा जमा करने हुक्म भी दिया। जिया सब किछ तैयार होए गुआ तिया परमेश्वरे नुहा का बोला कि एबे तेस तेसरी लाड़ी तेसरे चन शोरो होर तिन्नी लाड़ी कुल मिलाए के रे अठा जण्या जहाजा भीतरले जाण्या समा थिया। परमेश्वरे हर जानवर होर पंछिये नर होर मादा प्रजातिये अशुद्ध जानवर है ता दुए दुए जोड़े पर शुद्ध जानवर है सात सात जोड़े नुआ गुले भेजे ताकि सियों जहाजा दे जाए सको होर प्रलय आछने समय दे परमेश्वर तिना बचाए सको। परमेश्वर एड़ा सब प्रकार जानवर है सात सात जोड़े यानी नर होर मादा भेजे जसरा बल्ली चलाने कठे इस्तेमाल किया जाए सको। जिया सियो सब जाजा भीतरा ले डे है तिया परमेश्वर आपू जाजा द्वार बंद किया। तिया सप्ताह धड़े बाद सरगा का पाने लगना शुरू हुआ और पाने होंदा रवा हैन होंदा रवा बगैर रुके चाली धड़े होर चाली रचे तिक पाने लगदा रहा। जमीना भीतरा का भी पानी सोबड़ा फूटी सारे संसारे हर एक चीज इंदा तिक की उस ठीका उस ठी धारा भी पानी दे डूबे गोई। सिर्फ तीना लोगा और जानवरा का छाड़े केरे जुन झाजा दे थी है हर एक चीज जुन सुखी जमीना दे थी है मरे गोए। सौ झाज पानी दे तैरदा रहा होर जाजा भीतरे हर एक चीज डूबने का बचे गए। तेखा पानी रुकने का बाद पांच महीने तक जहाज पानी दे तैरदा रहा। तेस समय बाद संसारा दे पानी कम होंदा लगे गोआ थिया। तिया एक ही धड़े सौ जहाज एक ही धारे टीले गेश टिके गोआ पर संसार अजीब ही पानी केरे भरुआ दा थिया। चंद महीने का बाद धारा टीले सूझ दे लागे थी है। देखा होर चालिये धड़े का बाद नूहे एक काओ एड़ा भालने कठे बारा ले भेजा कि जे पानी सूखे गुआ थिया कि नहीं। सौ काओ सूखी जमीना खोजा दे ओरे पोरे उड़दा रहा पर तेसले एड़े कोई भी जगह नहीं मिली जिंदे सौ बैठे सको थिया। तेका कुछ धड़े बाद नुए भी का एक कबूतरे बारा ले भेजे
पर तेसा ले भी कोई सूखे जमीन नहीं मिली। तैसो नुआ गुले वापस आए। एक ही हफ्ते का बाद तीनी सौ कबूतरे भीखा भेजे और सौ अपनी चोंजा दे जैतुना एक नवा पाच लॉय केरे वापस आए। पानी घटदा लगादा थिया और डाल बूट भी जमदे लगे थिया। नू है एक हफ्ता होर नहड़ा और चीती बारी सौ कबूतरे बारा ले भेजे। इस समय तेसा ले बैठने ले जगह मिले गए और सब वापस नहीं आई। पानी सुकदा भी लगादा थिया। दो महीने का बाद परमेश्वर नूह का बोला, एबे तू और तेरा परिवार और सब जानवर झाझा का बारा ले निकलो। हैन सारे शोरो और बाल बच्चे पैदा करो और संसारा दे भर हुए जाओ। ते नूह और तीसरा परिवार झाझा का बारा ले निकला। नूह झाझा का बारा ले अचने का बाद तीनी एक बेदे बनाए और बलि ले इस्तेमाल करने आले हर शुद्ध जानवरा में जाका कुछ लॉय के रे बल्ले चढ़ाए। परमेश्वर तिना बल्ली के रे खुश हुआ और नूह और तीसरे परिवार आले आशीष दे। तेखा परमेश्वर बोला, हाँ शब्द लो कि मनुष्य द्वारा किए जाने आले बुरे कामे वजह का मुंह कभी भी भूमि ले श्राप नहीं देनी। मुंह ना तो प्रलय जरिए संसारा नष्ट करना, हालांकि मनुष्य अपने बचपना का ही पापिया सी। तेखा परमेश्वर अपनी बच्चे निशाने रूपा दे पहला मेघ धनुष बनाया। जिया कभी भी सरगा दे मेघ धनुष सूझना तिया परमेश्वरा याद करने की तिनी कि जय शब्द लॉय दे और तेड़े ही तीसरे लोगा भी याद करना।